नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी करंट अफेयर्स की रटलो सीरीज के साथ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कोई महत्वपूर्ण परीक्षा आनी होती है तो संस्थान द्वारा रटलो सीरीज का आयोजन किया जाता है, जो करंट अफेयर्स के लिए बहुत मारक सिद्ध होती है। इसी क्रम में मैं रटलो की दूसरी सीरीज के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रटलो का पहला भाग हम लोगों ने कुछ दिन पहले हल किया था, लगभग 10 दिन हो गए, और मैंने आपको बताया था कि जब UPPCS का आपका एग्जाम आएगा तो मैं 5 और 6 रटलों की एक श्रृंखला जिसमें यूपी स्पेशल समाहित होगा, मैं आप लोगों को हल कराऊंगा। आने वाले समय में अगर हम लोग देखें तो यहां पर उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम आपका जो 15 दिसंबर को आयोजित होना है और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो 24 दिसंबर को आयोजित होना है, इन दोनों एग्जाम्स को देखकर इस रटलो सीरीज का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। पिछले 9 से 10 महीनों के पूरे करंट को प्रश्न उत्तर के माध्यम से समाहित इस रटलो सीरीज में किया गया है। जब भी आप इस श्रृंखला को हल करें या देख रहे हो तो कृपया पेन और कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि यह व्याख्यात्मक श्रृंखला है और एक ही प्रश्न के साथ हम लोग कई प्रश्नों के हल को देखते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। संख्यात्मक मान में प्रश्न 50 हो सकते हैं, लेकिन जब हम पूरी श्रृंखला को सुनते हैं और देखते हैं तो लगभग 150 से 200 प्रश्न हम लोगों को तैयार होते हैं। 4-5 रटलो जो है आपके लगभग वो करंट अफेयर्स पर आधारित होंगे और लास्ट के जो रटलो होंगे वो यूपी स्पेशल पर आधारित होंगे। जो यूपी का करंट अफेयर्स और बेसिक होगा उसके थंबनेल पर लिखा होगा कि उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित आपका रटलो है। एक बार में पुनः आप सभी सदस्यों का जो जुड़ते जा रहे हैं, आपके अपने विश्वसनीय इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। समान रूप से मैं ये और बता दूं कि ऐसा नहीं कि UPPCS और जूनियर असिस्टेंट वाले ही, जिन लोगों को UPSI देना है और NTPC के भी जो छात्र छात्राएं हैं, जो सदस्य हम लोगों को देख रहे हैं, आगामी 1 से 2 महीने में जितनी भी आपकी परीक्षाएं आयोजित होने चल रही हैं उन सभी के लिए एक जो है महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपकी रटलो श्रृंखला। तो आइए इस श्रृंखला की शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है, जब भी देखिए प्रश्न पढ़ूंगा तो मैं प्रश्न पढ़ने के बाद बोर्ड से थोड़ा सा हट जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर रहूंगा तो आप प्रश्न को ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो प्रश्न जब भी वो स्क्रीन पर आएगा मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाऊंगा, ये हम लोगों का जो है इंटरेक्ट करने का एक तरीका होगा ताकि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और उत्तर दे सके। पहला प्रश्न आपके सामने है, आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में उड़ीसा के किस पार्क में एलिफेंट एंडोथियोलोट्रॉफिक हार्पिस वायरस के कारण 5 हाथियों की मृत्यु हो गई? क्लियर, ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? देखिए आपने जो है ये चर्चा में भी रहा है, पिछले दिनों अखबारों में भी ये रहा है और आपने पढ़ा भी होगा। तो पहला है भितरकनिका नेशनल पार्क, दूसरा है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, तीसरा है सिमली पॉल नेशनल पार्क और चौथा है बीजू पत्तनक शिशु उद्यान। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा बताइए? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, इसका सही उत्तर है आपका नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। देखिए ये जो वायरस होता है हार्पिस वायरस जिसको आप लोग कहते हैं, ये हार्पिस वायरस जो होता है रक्तस्रावी बीमारी का कारण होता है। आंतरिक रक्तस्राव जो होता है वो मृत्यु का प्रमुख कारण होता है और ये जो है युवा हाथियों में पाया जाता है। युवा हाथी जो है इस बीमारी से ग्रसित होते हैं जिनकी उम्र 1 से लेकर 12 वर्ष के बीच में होती है ना। तो एक ऐसा हर्पिस वायरस है जिसका पूरा नाम आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा वायरस का नाम है, आप देखिएगा एंडोथेलियोट्रॉपिक हार्पिस वायरस, जिससे क्या होता है आंतरिक रक्तस्राव होता है जो मौत का कारण होता है, मृत्यु का कारण होता है, और युवा हाथियों में ये बीमारी आपकी पाई जाती है। अभी उड़ीसा में 5 हाथियों की, युवा हाथियों की मृत्यु हुई, कहां पर हुई? नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, बताएं, उत्तर करें। अभी तक 3 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः इसको प्रतिबंधित कर चुके हैं, क्लियर है। पहला जो राज्य है आपका वो महाराष्ट्र था, इसको प्रतिबंधित करने वाला जो सबसे पहला राज्य था अगर आपसे कभी पूछा जाए तो वो महाराष्ट्र था, क्लियर। दूसरा जो राज्य था वो बिहार था, तंबाकू और पान मसाले को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला दूसरा जो राज्य था वो कौन सा था बताइए? बिहार था। वर्तमान में
राजस्थान ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है और राजस्थान ऐसा करने वाला वर्तमान का पहला राज्य जो कुल अभी तक का तीसरा राज्य बन गया है। वर्तमान का पहला राज्य और अभी तक का कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा राज्य बन गया है। हालांकि राजस्थान में तंबाकू पर तो पहले से ही प्रतिबंध था, लेकिन अभी तंबाकू युक्त जितने भी आपके पदार्थ हैं, है ना, चाहे वो पान मसाला, पूर्णतः प्रतिबंधित राजस्थान में कर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। गांधी जयंती के अंतर्गत अवसर पर राजस्थान राज्य ने तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्लियर है? आइए तीसरा प्रश्न यहां पर हम लोग कर रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इक्वालिटी इंडेक्स में टॉप स्थान किस राज्य को मिला है? बताइए टॉप स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान है बताइए केरल का, दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है और तीसरे स्थान पर आपका कर्नाटक है, है ना। दूसरे स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा है? कर्नाटक। ये जो आंकड़े लिए गए हैं नीति आयोग द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए, नीति आयोग द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो है जारी किया गया है, पहली बार ये इंडेक्स जारी किया गया है आपका, और ये इंडेक्स जो है वो 2016 और 17 के आंकड़ों पर है। क्लियर? इससे पता चल सके कि कौन सा राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है और जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर हों राज्य, वो राज्य शेष भारत के राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसलिए नीति आयोग ने एक महत्वपूर्ण जो है इस इंडेक्स को जारी किया है जिसमें केरल का पहला स्थान है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है और कर्नाटक आपका तीसरे स्थान पर है, यूपी सबसे निचले स्थान पर है। सोचने की बात है कि जो अपना उत्तर प्रदेश है, अपना प्रदेश जो है वो सबसे निचले स्थान पर है इस इक्वलिटी प्रदर्शन में, है ना, सबसे निचले स्थान पर यूपी है। ये जो इंडेक्स है तीन चीजों को आधार बना के आपका बनाया जाता है। क्लियर? शिक्षा की गुणवत्ता पहला इसका आधार है, शिक्षा की गुणवत्ता। दूसरा है शिक्षा की पहुंच, है ना, मतलब शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की हो, शिक्षा की पहुंच सब तक हो और शिक्षा समानता से सबको प्राप्त हो सके, शिक्षा समानता से सबको प्राप्त हो सके। तो तीन इसके प्रमुख आधार है, गुणवत्ता, पहुंच और समानता। तो इसका सही उत्तर आपका होगा केरल। आइए चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पे बढ़ते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर हाल ही में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया? बताइए, चर्चा का विषय रहा है पिछले दिनों में, उत्तर करें आप लोग। हां, नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंतरिक्ष वैज्ञानों ने, किस किस ने, नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अंतरिक्ष के वैज्ञानों ने अभी एक जो नया ग्रह आपका खोजा था पंडित जसराज जी के नाम पर उसका नाम रखा है, है ना। और इस ग्रह का जो उन्होंने नंबर दिया है, आंकिक मान इस ग्रह को दिया है, उस ग्रह को आंकिक मान दिया है 300128 एक क्रमांक है, जिससे ये देखिए अगर हम लोग देखें तो ये पंडित जसराज जी की जन्म तिथि है 28 जनवरी, ये आपका देखिए 28 जनवरी और ये जो आपका 1930, ये उनकी क्या है, जन्मतिथि है और उसी आधार पर इसका जो है नाम भी दिया गया है और इसका नंबर भी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पंडित जसराज। और किस संस्था द्वारा है ये भी आपको याद रखना है, तो संस्था का नाम है नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्लियर? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न यहां पर आपका है, देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार साल 2018 के लिए किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पे आप प्रश्न गलत कर सकते हैं। देखिए 2018 में जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई थी तो आपको स्पष्ट कर दें कि साहित्य का नोबेल 2018 में दिया नहीं गया था। तो 2019 में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया तो 2018 के भी साहित्य नोबेल की घोषणा की गई और 2019 के भी साहित्य नोबेल की घोषणा की गई, है ना। पोलैंड की लेखिका ओल्गा, हाँ तोकजुर्क, पोलैंड की लेखिका ओल्गा तोकजुर्क को ये कहा की है, पोलैंड की है। ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लेखिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी और लेखिका भी है। इनको 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको अब मैं आपको एक बार बता दूं, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है फ्लाइट्स, इनके प्रसिद्ध उपन्यास फ्लाइट्स के लिए, आपको पुस्तकों के नाम भी याद रखने चाहिए,
इनके प्रसिद्ध उपन्यास फ्लाइट्स के लिए इनको 2018 में बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, बुकर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2019 का जो नोबेल है वो यहां पर ध्यान रखिएगा पीटर हैंडके को मिला है, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि ये कहां किस देश के निवासी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं पीटर हैंडके, और इनको 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य का, तो इसको आपको गलत नहीं करना है। क्लियर है? हाँ। अगले प्रश्न की तरफ यहां पर चलते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 में निम्न में से किस एक सिख गुरु का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था कि जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक अहम कड़ी था, करतारपुर कॉरिडोर भी आपका बहुत चर्चा में रहा है, जहां से आपके करंट के क्वेश्चन बनते हैं, करतारपुर कॉरिडोर, गुरु नानक जी भी बहुत चर्चा में रहे हैं, और अभी बड़े बड़े आयोजन यहां पे किए गए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी इन समारोहों में शिरकत की थी, है ना। तो यहां पर आपका प्रश्न है, फिर से मैं हट रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। प्रश्न है आपका, वर्ष 2019 में निम्न में से किस सिख गुरु का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। चार ऑप्शन है, आप उत्तर करिए। तो आपका सही उत्तर होगा यहां पर गुरु नानक, गुरु नानक जी। हम सभी जानते हैं कि गुरु नानक जी का जो जन्म था वो 1469 में हुआ था, सन 1469 में हुआ था। हाँ, कहां पे? तलवंडी नामक स्थान पर, तलवंडी शेखपुरा, जो वर्तमान में यदि हम लोग देखें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब इसको कहा जाता है। वर्तमान में देखें तो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इसको क्या कहा जाता है बताइए, ननकाना साहब कहा जाता है। क्लियर? एक और चीज आप क्लियर कर लीजिए, सिकंदर लोदी जी के समय में, जैसे यहां पे कुछ प्रश्न बनते हैं इनके, सिकंदर लोदी जी का जो समय था, जो था 1489 से अगर हम लोग शुरू करें इस समय को, तो ये समय आपका लगभग लगभग था 1489 से 1517 तक, 1489 से 1517 तक था, और इसी समय में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, सिख धर्म या संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे इतिहास से प्रश्न बनता है यहां पर कि बताइए किस, हाँ, किस शासक के काल में सिख धर्म की स्थापना की गई थी, या गुरु नानक किस शासक के समकालीन थे, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए यहां पर, कौन था? सिकंदर लोदी। इन्होंने एक धर्म प्रचारक यात्रा भी निकाली थी, इनकी धर्म प्रचारक यात्रा का नाम है उदासी। यह भी प्रश्न आपसे पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है कि इनकी धर्म प्रचारक यात्रा का क्या नाम था, उदासी इनकी धर्म प्रचारक यात्रा थी। और दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जो दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना जो इनकी है उसका नाम है सबद, और दूसरी रचना जो है वो है जपजी साहब। तो पहली रचना जो है वो है सबद, और दूसरी रचना जो इनकी है वो क्या है? जपजी साहब। तो आपको इतना याद रखना है यहां पर, क्लियर है? हाँ, वर्तमान में पाकिस्तान, प्राचीन नाम तलवंडी है, जन्म इनका हुआ था 1469 में, और वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, 1489 से 1517 इनका शासनकाल है, सिख धर्म की इन्होंने जो है स्थापना सिकंदर लोदी में की थी, उदासी इनकी धार्मिक यात्रा का नाम था, सबद और जपजी साहब इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है? और यहां से अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं इस तारीख से, तो लगभग 2019 में 550वां प्रकाश वर्ष गुरु नानक जी का मनाया गया। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ रहे हैं। सातवां प्रश्न, अभी हाल ही में स्थानीय स्तर पर भारत में चमकी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा, बताइए, उत्तर करिए जल्दी से आप लोग, मैं स्क्रीन देख रहा हूं। चमकी बुखार से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा रहा, तो आपका सही उत्तर होगा इसका बिहार। ध्यान रखिएगा, चमकी बुखार स्थानीय नाम है, अगर हम देखें, हां, तो इस सिंड्रोम का नाम हो है AES। क्या नाम है सिंड्रोम का? AES। जिस सिंड्रोम से वैज्ञानिक रूप से बुखार होता है उसका नाम AES है। इसका नाम है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, और इससे प्रभावित होने वाला जो आपका अंग है वो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे आपका क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके लिए एक टीके का भी निर्माण किया गया है, और उस टीके का जो नाम है, उस टीके का नाम है जेनवैक।
इसके लिए जेनवैक नामक टीके का भी जो है निर्माण किया गया है और इसके जो है प्रयोगों पर बात चल रही है। आइए, बिहार बहुत ज्यादा प्रभावित इस बार रहा, तो इसका सही उत्तर आपका सातवें का क्या होगा, बिहार होगा। आइए, आठवां, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के विजेता अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्या है बताइए, पीटर हैंडके। ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं, दो बार प्रश्न इसलिए लिखा है कि आप गलती ना करें, ऑस्ट्रेलियाई मूल के हैं और 2019 के साहित्य का नोबेल इनको मिला है। यहां पर देखिए एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 2018 की हैं, क्लियर कर दिया। जानवी हां गुडेनक, इनको भी नोबेल मिला है रसायन के लिए, रसायन के लिए नोबेल मिला है और ये 97 वर्ष के हैं, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और अभी तक नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, अभी तक नोबेल प्राप्त करने वाले ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। और आप जानते हैं अभिजीत बनर्जी भारतवंशी हैं, इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला है, इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए नौवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, स्टेशन स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार एनएसजी श्रेणी में किस रेलवे स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। देखिए 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी के जन्मदिवस के दिन जो है कुल 720 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया था और 720 स्टेशनों में जयपुर को सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया, जयपुर को सबसे स्वच्छ स्टेशन घोषित किया गया है ना। जयपुर जो है ये उत्तर पश्चिमी जोन का स्टेशन है, उत्तर पश्चिमी जोन का स्टेशन है और उत्तर पश्चिमी जोन को सबसे स्वच्छ जोन घोषित किया गया है ना। तो कुल 720 स्टेशनों को इस सूची में शामिल किया गया था जिन पर यह किया गया है। और हाँ, श्री महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता रिपोर्ट जारी की गई स्टेशन से संबंधित, जहां पर जयपुर सबसे स्वच्छ स्टेशन है, उत्तर पश्चिमी जोन का ये जो है क्या है आपका स्टेशन है और सबसे स्वच्छ जोन का खिताब भी उत्तर पश्चिमी जोन को मिला है, है ना। हम सबको स्वच्छ रहना चाहिए, आसपास भी स्वच्छता रहनी चाहिए, है ना। आइए दसवां प्रश्न है आपका, यूएस ओपन 2019 के पुरुष एकल खिताब के विजेता निम्न में से कौन है। मैं आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप ऐसे नाम याद रखें तो उनका जो है देश जरूर नाम याद रखें, क्योंकि देश हमेशा आपसे पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा राफेल नडाल साहब, है ना। राफेल नडाल साहब इसके विजेता है, ये स्पेन के हैं, ये स्पेन देश के निवासी हैं, स्पेनिश है, स्पेन के हैं और यह उनका 19वां ग्रैंड स्लैम है, है ना, 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। मैं आपको फिर बता दूं, 4 प्रतियोगिताएं क्रम से होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऑफ व्यू आपको ऐसे याद रखना है, क्लियर। सबसे पहले जब वर्ष का प्रारंभ होता है तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर आपका क्या होता है फ्रांसीसी ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन, ये क्रम से चारों प्रतियोगिताएं होती हैं। ये प्रश्न क्रम से लगाने के लिए कई बार आपसे पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न जो आपका है 11वां प्रश्न, 14वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जहां पे व्याख्या के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जल्दी से आप इसका उत्तर करिए। आपका प्रश्न है 14वां G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, तो ये हुआ आपका कहां पे, ओसाका जापान में, ओसाका जापान में। और 15वां कहां आयोजित होगा, इसको भी आप यहीं क्लियर कर लीजिए। 15वां जो आयोजन होगा वो सऊदी अरब के रियाद में होगा, 15वां जो आयोजन होगा वो रियाद में होगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में होगा। आइए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर करिए। हां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में प्रमुख दलों को प्राप्त हुई सीटों का सही क्रम क्या है, बताइए। देखिए हाँ, 3 प्रमुख पार्टियां, 2 प्रमुख पार्टियां चुनाव में थी, एनडीए है ना और यूपीए, हाँ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और ये जो है एनडीए आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये 2 थी। तो आपको बताना है कि कितनी कुल सीटें थी और कितने के लिए चुनाव हुए, कितनी हुई, ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कुल चुनाव होने थे लगभग 543 सीटों पर, है ना, 543 सीटों पर चुनाव आयोजित होने थे लेकिन 542 सीटों पर चुनाव आयोजित हुए। अगर आपसे पूछा जाए
किस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया? एक सीट पर भारत में चुनाव स्थगित हुआ था, बेल्लोर सीट पर, है ना, बेल्लोर सीट पर आपका चुनाव क्या था, स्थगित हुआ था। 542 सीटों के लिए मतदान हुआ था, क्लियर। और 542 सीटों के लिए जो मतदान हुआ था उसमें जो सही क्रम था वो आपका ये था, एनडीए को 353 सीटें मिली थी, यूपीए को 92 मिली थी और अन्न को 97 मिली थी, है ना, अन्न को कितनी मिली थी, 97 मिली थी, क्लियर। ये आपका सही क्रम था। लगभग 78 महिलाओं ने चुनाव जीता, जो कुल संख्या का 14% है। इस बार जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुल संख्या का लगभग 14% था यहां पर, अगर हम लोग देख सकें। और चंद्रानी मुर्मू जो 25 वर्ष की थी, वो सबसे कम उम्र की महिला कैंडिडेट थी जिन्होंने चुनाव जीता। ये उड़ीसा की क्योंझोर, सीट से चुनाव जीती थी, क्लियर। और ये बीजू जनता दल, बीजेडी, बीजू जनता दल की जो है ये सदस्य थी वहां पर, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। बीजू जनता दल नवीन पटनायक जी की पार्टी है, हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न है आपका, 13वां प्रश्न है यहां पर, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, देखिए ये प्रश्न मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि पिछली बार जब आरओ यारो में आपसे प्रश्न पूछा गया था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया। जब भी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। और आप यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, कभी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस और कभी आपसे पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, और दोनों ही ऑप्शन आपका हमेशा रहता है। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 जनवरी और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो 12 अगस्त। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है आपका, 5वां अंतरराष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? पता है 5वां अंतरराष्ट्रीय भारत विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया? 14वां प्रश्न आप बताइए। तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया? कोलकाता में। इसकी जो थीम थी वो थी राइजिंग इंडिया, इसकी थीम थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका वो मुख्य उद्देश्य ये था कि रिसर्च इनोवेशन और साइंस एम्पावरिंग नेशन के लिए, एक नेशन के लिए, है ना। तो आपका जो है राइजिंग इंडिया, इसका क्या था, थीम था, क्लियर। आगे बढ़े, नए रिसर्च करें, नए सोच करें और देश को मजबूत बनाएं विज्ञान के क्षेत्र में। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया? चलिए बताइए, 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के 2 शहरों में आयोजन हुआ था, पालेमबांग और जकार्ता, क्लियर है। हाँ, पालेमबांग और जकार्ता 2 शहरों में आयोजन आपका किया गया था, यहां पे क्लियर कर लीजिए, इंडोनेशिया में, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और इसका जो थीम था वो था एनर्जी ऑफ एशिया, एनर्जी ऑफ एशिया। भारत की तरफ से बजरंग पुनिया जी ने पहला स्वर्ण पदक जीता था यहां पर 18वें एशियाई खेलों में, है ना। 18वें एशियाई खेलों में भारत की तरफ से पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बजरंग पुनिया। और 19वें एशियाई खेलों का आयोजन भी यहां पे आपको ध्यान रखना है, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? चीन में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पे किया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? चीन में। और अगर आपसे पूछा जाए चीन में कहां किया जाए तो हांगझोउ, चीन के किस स्थान पर, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे हांगझोउ, क्लियर। और 20वें एशियाई खेल, अभी से याद रख लीजिएगा, 20वें एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में। तो पूछ लिया जाता है 19 में तो 2022 में चीन में, और 20 में अगर पूछ लिया जाए तो 2026 में आयोजित होंगे नागोया जापान में, क्लियर है। आइए जानकारी रखिएगा इसकी, 2019 खेलो इंडिया युवा खेलों के आयोजन में उत्तर प्रदेश का राज्य तालिका में स्थान कौन सा था, बताइए। और पहले मैं आपको यहां पे ये भी बता दूं कि आप ये भी लिखिए उसमें उत्तर में कि ये खेल कहां आयोजित हुए, है ना, कि ये खेल कहां आयोजित हुए। तो देखिए मैं आपको, तो 228 पदकों के साथ, 228 पदकों के साथ महाराष्ट्र जो मेजबान था
वो प्रथम स्थान पर था और इस खेलों का जो आयोजन हुआ था वो पुणे में हुआ था, पुणे में हुआ था जनवरी 2019 में। उत्तर प्रदेश का स्थान छठवां था और इनको 88 पदक मिले थे, है ना, प्रदेश को अपने 88 पदक मिले थे। और पहले स्थान पर कौन था बताइए, महाराष्ट्र था। खेलों का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए कहां हुआ था तो आप कहेंगे पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित में से किसकी रचना है। बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो यह रवीश कुमार जी की रचना है। किसकी रचना है, रवीश कुमार जी की रचना है। ध्यान दीजिएगा, रवीश कुमार जी को इस बार का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। रवीश कुमार जी को इस बार का प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है और ये एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर हैं। इनको आवाज विहीन की आवाज बनने के लिए, आवाज विहीन की आवाज बनने के लिए 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और यह जो एक प्रसिद्ध किताब है वो इनकी रचना है। संजय बारू इनकी किताब भी जो है ये इस बार चर्चा में थी 2019 में। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक समय में एक मूवी आई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री पर आधारित थी, मनमोहन सिंह जी पर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मूवी थी वो संजय बारू जी की किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर ही बनी थी, जिसमें अभिनय किया था अनुपम खेर जी ने। क्लियर, तो संजय बारू का भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। अभी हाल ही में देखिए 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया। भारतीय कलाकार, भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध कलाकार, भारतीय सिनेमा की एक पहचान अमिताभ बच्चन साहब को 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा में योगदान के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। 49वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत दिया गया था। 50वां किसको दिया गया, श्री अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 19वां, निम्न में से किसे 2019 में पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया। देखिए यहां पर कुछ जानकारियां मैं आपको दे दूं। जो पद्म पुरस्कार होते हैं गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा की जाती है और इस बार ये पुरस्कार कुल 112 लोगों को प्रदान किए गए। क्लियर है, हाँ 112 लोगों को प्रदान किए गए। हम सभी जानते हैं कि भारत रत्न इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इसके बाद जो पुरस्कार होता है वो आपका होता है पद्म भूषण। पद्म भूषण और इसके बाद आपका जो पुरस्कार होता है वो होता है पद्मश्री, है ना, पद्मश्री। इनको हम संयुक्त रूप से कहते हैं पद्म पुरस्कार। क्लियर, तो कुछ 112 लोगों को आपके पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 14 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 94 लोगों को पद्मश्री दिया गया। आप ये संख्या जरूर याद रखिएगा, 4 लोगों को पद्म विभूषण, 14 लोगों को पद्म भूषण और 94 लोगों को पद्मश्री। अब देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, पद्म विभूषण प्रदान नहीं किया गया तो 4 लोग दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसमें से किसको प्रदान नहीं किया गया। तीजन भाई जी को प्रदान किया गया है, इस्माइल अमल गुरे जी को प्रदान किया गया है, अनिल मणि भाई जी को भी प्रदान किया गया है, लेकिन नर्तकी नटराजन को प्रदान नहीं किया गया है। नर्तकी नटराजन जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कारों में तो ये शामिल हैं, लेकिन इनको पद्मश्री मिला है। और इनके साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है, ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य हैं तमिलनाडु की, जिनको पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूछा जाए अगर आपसे तो आप क्लियर रखिएगा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य हैं ये जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, नर्तकी नटराजन। तो 3 नाम तो आप यहां पे देख रहे हैं, चौथे व्यक्ति और भी है सम्मानीय जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनका भी नाम यहीं पर क्लियर कर लीजिए, जिनका नाम है बलवंत माहेश्वर। बलवंत माहेश्वर साहब वो चौथे व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण प्राप्त किया गया है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान। तो ये 4 ही लोगों को प्रदान किया गया और 4 लोगों के नाम आप यहां पे साफ साफ देख रहे हैं। और ये डिटेलिंग भी याद रखिएगा क्योंकि ये आपसे यहां पे पूछ ली जाती है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 20वां सवाल है आपका,
पृथ्वी के आयनमंडल के अध्ययन के लिए अक्टूबर में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम आइकॉन, प्रक्षेपित उपग्रह का नाम आइकॉन था। क्लियर है? आइए 21वां, ये मेरी किताब है रीजनिंग की, आप लोगों को मैं बार बार बताता रहता हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, संस्थान की तरफ से सतत प्रक्रिया है। आप रीजनिंग को कहीं भी किसी भी जो है एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं, लगभग 700 पेज की वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग की किताब है, आप इसको मंगा सकते हैं घर बैठे। संस्थान की तरफ से किताब ऑफर में दी जा रही है, जो सदस्य देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि कैसी किताब है ये। तो 9452275777 यह एक नंबर है जिसके व्हाट्सएप पे आपको बुक लिख के भेजना है, डिस्ट्रीब्यूशन का नंबर है, या आप इस नंबर पर कॉल करके भी किताब मंगा सकते हैं। कोरियर और डाक संस्था की तरफ से, टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फ्री किया गया है, और जो संस्था के सदस्य हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये किताब ऑफर प्राइस में दी जा रही है। मार्केट और अमेजन पे किताब काफी महंगी है। आप वर्बल नॉन वर्बल और एनालिटिकल रीजनिंग की एक जबरदस्त किताब है, आप आईएएस पीसीएस से लेके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए रीजनिंग की किताब महत्वपूर्ण है। एक और बात, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी है जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, और प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब एक कॉन्सेप्ट भी है और प्रैक्टिस भी, एक कंबाइंड पैकेज है रीजनिंग का। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप पूरे भारत में कहीं भी हो, आपको उस नंबर पर कॉल करने पर किताब 7 से 8 दिन में पहुंचा दी जाएगी। अगर आप इलाहाबाद, प्रयागराज या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो आप किसी भी दुकान से या बुक शॉप पर इस किताब को खरीद सकते हैं। रीजनिंग बाय रवि पी तिवारी अमेजन पर भी उपलब्ध है। आइए, उस भारतीय नन का क्या नाम है, देखिए विशेष श्रेणी में शामिल हुई है ये, उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस द्वारा संत की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है मरियम थ्रेसिया, है ना। इनकी मृत्यु, ये केरल की हैं, इनकी मृत्यु के 93 वर्ष बाद इनको ये उपाधि दी गई। क्लियर है? इससे पहले ये उपाधि एक और नर्स को दी गई थी, एक और नन को दी गई जिनका नाम था मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा के बाद इस उपाधि को प्राप्त करने वाली ये दूसरी जो है क्या है, भारतीय नन है। आई मरियम थ्रेसा, आईसीसी ने मैच टाई होने की स्थिति में बाउंड्री की अधिकतम संख्या की बजाय किस नियम से विजेता चुने जाने की घोषणा की है। आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच इस बार जो है जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो काफी विवादित स्थिति में था, जिसमें इंग्लैंड को विजेता और न्यूजीलैंड को उप विजेता घोषित किया गया था। सुपर ओवर में 15-15 रन बनाने के बाद भी जब मैच टाई हुआ तो बाउंड्री काउंट के आधार पर इंग्लैंड को विश्व विजेता घोषित किया गया था। अब इस नियम के विवाद से बचने के लिए चाहे वो जितनी भी बार सुपर ओवर कराना चाहे पड़े, लेकिन आईसीसी ने निर्णय लिया है कि अब सुपर ओवर से ही इसका निर्धारण किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका जो क्या है वो सुपर ओवर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी बने हैं, है ना, जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित है और भारत के पूर्व कप्तान है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय क्रिकेट अब सुधारों के दौर से गुजर रहा है और यहां पर कई सुधार होने की गुंजाइश अभी आपकी बाकी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट आपके कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए, सौरभ गांगुली। आइए 23वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए इसका सही उत्तर आप लोग करिए। यहां पर थोड़ी सी चिंता की विषय है ना, ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थान 102वां है। अगर हम देखें 3.03 अंकों के साथ भारत 102वें स्थान पर है, और भारत जो 102वें स्थान पर है इसमें चिंता करने वाली बात यह है कि कुल 117 देशों को ही इसमें शामिल किया गया था। दक्षिण एशियाई देशों में भारत सबसे नीचे है। यहां पर पाकिस्तान का जो प्रदर्शन है वो हमसे बेहतर है, इसका मतलब भारत भूख के गंभीर संकटों से जूझ रहा है और आगे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। हमने इस सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसका सही उत्तर होगा 102। आई 24वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र में 53 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज की गई है, हाँ ना, तो ईरान, है ना, ईरान के खुजेस्तान प्रांत में, ये अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी है, थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा समझाने के लिए है नहीं, इसलिए याद करते चलिए। आइए, अटल नवाचार मिशन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और किस आयोग ने, देखिए क्या लिखा है, अटल नवाचार मिशन, तो पहले तो ये देखिएगा अटल नवाचार मिशन दो लोगों से, दो दो प्रक्रियाओं से संबंधित है, एक तो संयुक्त राष्ट्र विकास
कार्यक्रम और किस आयोग, तो नीति आयोग, है ना। तो भारत में इसको जो संचालित कर रहे हैं वो दो संस्थाएं कर रही हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और नीति आयोग। भारत के युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को गति देने हेतु लॉन्च किया था, क्लियर, यूथ को लैब। तो इसका सही उत्तर होगा आपका नीति आयोग। क्या होगा बताइए, 25वें का सही उत्तर होगा आपका नीति आयोग। और इसका उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए। इसके लिए प्रमुख भारत के शहरों में युवा संवाद भी आयोजित किए गए हैं, और ये युवा संवाद जिन चार शहरों में आयोजित किए गए हैं उनके नाम है नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर। नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर में युवा संवाद का भी आयोजन किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जो है स्थानों पर या कितने शहरों में, महानगरों में युवा संवाद का आयोजन किया गया है अटल नवाचार मिशन के तहत, तो आप कहेंगे चार। मैं फिर से नाम पढ़ दे रहा हूं, पहला नई दिल्ली, दूसरा हैदराबाद, तीसरा है आपका मुंबई और चौथा है आपका बेंगलोर। आई 26वां प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य में अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय किया, है ना। आने वाली चुनौतियों को निपटने के लिए और कठिन इलाकों में सेना की गतिशीलता और संचार को बढ़ाने के लिए, आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए और कठिन क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में या कठिन समय में या तगड़े मौसम में, जो मौसम आपके अनुकूल ना हो उसमें संचार और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में, खराब मौसम में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा पहाड़ी युद्धाभ्यास हिम विजय आयोजित किया, हिम विजय आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में। आइए 27वां प्रश्न है आपका, यूनेस्को द्वारा कब से कब तक यूनेस्को हेरिटेज वीक मनाए जाने की घोषणा की गई है। पखवाड़ा और सप्ताह आपसे पूछे जाते हैं, इसको हम लोग विश्व धरोहर सप्ताह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व धरोहर सप्ताह। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व धरोहर सप्ताह कब से कब तक मनाए जाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई है, तो आपका उत्तर होगा 19 से 25 नवंबर, है ना। तो 19 से 25 नवंबर का जो सप्ताह था वो कौन सा सप्ताह था आपका, विश्व धरोहर सप्ताह था, क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, चलते रहिए, है ना। 50 प्रश्न तक चलना है और आप लोग उत्तर करिए, लिखते चलिए, प्रश्न इसी में से मिलेंगे वाला रहा। आईएमडी की नवीन वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत 6 स्थान फिसलकर कितने पायदान पर आ गया, बताएं। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बताइए। तो 59वें स्थान पर भारत आ गया है, 59वें है, और पहला स्थान किसका है, स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड का पहला स्थान यहां पर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। हाँ, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया महाराजगंज, महाराजगंज की फरेंदा तहसील, जो लोग उस तरफ के होंगे, गोरखपुर के आसपास का ये जो है एरिया है, और गोरखपुर के आसपास के जो लोग बुझ होंगे वो जानते होंगे। तो पहला उत्तर प्रदेश का गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है महाराजगंज में, महाराजगंज की फरेंदा तहसील में। और इसके लिए जिस गांव का चुनाव किया गया है उसका गांव का नाम है वारी वैसी नामक गांव का चुनाव किया गया है जहां पर इस स्थान को बनाया जाएगा। आइए 29वां 30वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की है 60 दिन के लिए। अभी प्रधानमंत्री मोदी की जब यात्रा हुई थी तो संयुक्त अरब अमीरात से रिश्ते सुधारने के लिए 60 दिन के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान की गई है। अमेरिका को लगा के यहां पर गलती मत करिएगा, 60 दिनों की अवधि है जिसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापार, पर्यटन, सम्मेलन, चिकित्सा में लोगों के संपर्क में सहायता करना और लोगों के संपर्क को बढ़ाना। आइए अगला प्रश्न है आपका, यहां पर नवंबर 2019 में स्विट्जरलैंड के प्रमुख बिजनेस स्कूल आईएमडी द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, देखिए कौन सी संस्था इसे जारी करती है, बिजनेस स्कूल आईएमडी द्वारा जारी, अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका सही उत्तर क्या है, 59वां। अभी दो प्रश्न पहले भी ये प्रश्न आपका आया था, रिपीट हो गया है, गलती से क्षमा करिएगा। आइए 32वां प्रश्न, नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, तो सबसे पहले स्थान पर अफगानिस्तान है।
आतंकवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित, देखिए सूचकांक से एक ना एक प्रश्न मिलना आपका निश्चित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो, भुखमरी सूचकांक हो, प्रसन्नता सूचकांक हो, बराबर जो सूचकांक पहले पूछे जाते हैं बाद में वो सूचकांक फिर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि रिपीटेशन का अब जमाना नहीं रहा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जिनसे शेष विश्व आपका जूझ रहा है, आपको उन सूचकांकों को याद रखना है। जैसे आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है जहां से आपसे प्रश्न बन सकता है, तो अफगानिस्तान सबसे प्रभावित राष्ट्र है, तो आपका उत्तर क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। क्लियर है? चलिए 33वां प्रश्न की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। 18 नवंबर 2019 को किसने श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? जल्दी से उत्तर करिए, अब इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं, बताएं। हाँ, गोतबाया राजपक्षे जी ने। क्लियर? और अभी हाल ही में आपने पेपर में पढ़ा कि इनके जो भाई थे महिंद्रा राजपक्षे, वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। तो ये विश्व का ऐसा एकमात्र देश है कि जहां पर दोनों भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता पर काबिज है। क्लियर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गोतबाया राजपक्षे। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है आपका यहां पे 34वां प्रश्न। 13-14 नवंबर के मध्य 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ब्रिक्स हम लोग जानते हैं, है ना, कौन कौन सा देश है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। क्लियर? तो 13 से 14 नवंबर के बीच जो 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां पर आयोजित हुआ? तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ये हुआ कहां पे, बताइए, ब्राजीलिया में। कहां पे हुआ? ब्राजीलिया, है ना, ब्राजीलिया में आयोजित हुआ, ब्राजील में। क्लियर है? और इसकी अध्यक्षता जो थी वो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल सोनारो ने की, जायर बोला सोनारो ने इसकी अध्यक्षता की। और इसका विषय था नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। ब्रिक्स, ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने इसकी अध्यक्षता की, जो इसका विषय था वो था नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न आपका यहां पे है। 25 अक्टूबर 2019 को संपन्न लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता, बताइए, उत्तर करिए। हां, यह खिताब कर्नाटक ने जीता। और किसको हराकर जीता? तमिलनाडु को हराकर जीता, तमिलनाडु को हराकर जीता। कर्नाटक ने चौथी बार एक खिताब जीता था, चौथी बार कर्नाटक ने खिताब जीता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न आपका। 25 नवंबर 2019 को किस राज्य ने भ्रष्ट मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू की, बताइए, उत्तर करिए। हां चलिए, ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपसे पूछा जाए 14400 क्या है, तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से आम जनता को दूर करने के लिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। आप जगनमोहन रेड्डी एक युवा नेता है, आप सभी लोग इनका जो है नाम जानते हैं। क्लियर है? और आंध्र प्रदेश में है ना वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है आंध्र प्रदेश में। वाईएसआर जो रेड्डी थे वो बहुत लोकप्रिय नेता थे, और लगभग 10 से 12 वर्ष पहले नल्ला मल्ला के जंगलों में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। उस समय आज से 12 वर्ष पहले मैंने पहला इतना लोकप्रिय नेता देखा था जिसकी मृत्यु पर 86-87 लोगों ने आत्महत्या की थी, इतने जो है लोकप्रिय नेता थे। उन्हीं के सपुत्र हैं जगमोहन रेड्डी जी, जो पहले कांग्रेस के सदस्य थे, अब उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस बनाई है। और इस प्रकार आंध्र प्रदेश में वो पूर्ण बहुमत में आए हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतों को सीधे दर्ज कराने के लिए, लोग भ्रष्टाचार की जानकारी सीधे सरकार तक पहुंचा सकें, इसके लिए उन्होंने एक नया हेल्पलाइन नंबर 14400 जारी किया है। 15 दिनों के भीतर शिकायत की जांच के साथ कार्रवाई का प्रावधान है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा वो आपका क्या होगा, बताइए, आंध्र प्रदेश होगा। 37वां प्रश्न। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयुष्मान भारत पखवाड़ा कब मनाया गया? अगर आपसे पूछा जाए, देखिए प्रश्न में भी एक प्रश्न छुपा है, आयुष्मान भारत पखवाड़ा या आयुष्मान भारत सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 15 से 30 सितंबर तक मनाया गया। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा जनधन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहां किया गया था? रांची में किया गया था, झारखंड के रांची में किया गया था। क्लियर? एक वर्ष पूरा हो गया। 2014 में आयुष एक विभाग था और आयुष को विभाग से एक मंत्रालय का दर्जा 2014 में दिया गया था, यह इंफॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न है यहां पे आपका, 38वां प्रश्न है यहां पे। आइए, 16 सितंबर 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने
किस मिशन के तहत लीडरशिप फॉर क्षमा करिएगा अकाडमियंस प्रोग्राम लीप एवं एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग लॉन्च किया। इसका सही उत्तर है डी, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। क्लियर, डी इसका सही उत्तर है। और इसका उद्देश्य, इसके पीछे भारत सरकार का क्या है, प्रशासकों की प्रबंधकीय क्षमता को और उच्च करना, जो प्रशासक हैं उनकी प्रबंधन क्षमता को बढ़ाना और उच्च शिक्षा प्रबंधन में नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा करना और उनके इकट्ठा करने की पहल करना। क्लियर है, आइए, ये भारत सरकार का इसमें प्रमुख उद्देश्य है। 39वां प्रश्न, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज झारखंड में गंगा नदी पर नवनिर्मित भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रश्न में ही एक प्रश्न छिपा है, भारत के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल को प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को कहां समर्पित किया गया है ना, साहिबगंज में, किस नदी पर, गंगा नदी पर, और किस राज्य में, झारखंड। पहले तो प्रश्न ही ऐसा बनाया गया जिसमें दो उत्तर और दो प्रश्न आपके यहां पर बन रहे हैं जिनको आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित जो तथ्य उनको समझ लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मल्टी मॉडल टर्मिनल की आधारशिला अप्रैल 2017 में रखी गई थी, सही है। इसकी निर्माण लागत राशि 290 करोड़ है। इस टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 40 लाख टन से ज्यादा है, 40 लाख टन फिक्स कर दिया, कम है। यह टर्मिनल जलमार्ग विकास परियोजना के तहत निर्मित किया जा रहा है, सही है। तो वहां पर सी जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है। आइए 40वां प्रश्न है आपका यहां पे, 26 अगस्त 2019 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने, हाँ, देश की राजधानी, हम जानते हैं इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया है, 2024 में इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। वोर्निया द्वीप स्थित किस प्रांत में स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की है, तो बोर्निया द्वीप के कालीमंतन प्रांत में आपकी घोषणा की गई इसको स्थानांतरित किए जाने की, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, आइए, हाँ, चलिए, G7 राष्ट्रों का 44वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ, क्लियर है, बताइए। तो ये देखिए, फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित हुआ। कहां पर आयोजित हुआ, फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित हुआ आपका 44वां शिखर सम्मेलन G7 राष्ट्रों का। 7वीं बार फ्रांस ने इसकी मेजबानी की है, फ्रांस में ये 7वीं बार ये आयोजन हुआ है। क्लियर है, ध्यान दीजिए, आपसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन और संस्थाएं पूछी जाती हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा यहां पे कुछ कहने के लिए नहीं है। 2019 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, लगातार 3री बार टोक्यो, जापान का टोक्यो प्रथम स्थान पर रहा। सबसे सुरक्षित शहरों के सूचकांक में लगातार 3री बार जापान का टोक्यो जो है वो प्रथम स्थान पर, 3 बार से अपने शीर्ष स्थान को उसने बना के रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर 43वां प्रश्न है। देखिए 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, तथ्य सही है। चलिए 30 अगस्त 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के विलय की घोषणा की, सही है। दूसरा, सरकार के इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या 18 से घटकर 12 हो जाएगी, ये भी सही है। विलय के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा SBI के बाद, ये भी सही है। उपरोक्त सभी चारों ही विकल्प इसमें आपके सही है, है ना, बैंकिंग से संबंधित समस्या जो है आपका प्रश्न था, चारों विकल्प इसमें आपके सही है। 44वां, हाल ही में किस कंपनी ने सुरक्षित चुनाव के लिए इलेक्शन गार्ड चुनाव आयोग ने बनवाया है, जिससे पारदर्शी और सुरक्षित जो है क्या किया जाए, इलेक्शन संचालित करवा लिया जाए या संपादित करवा लिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका निर्माण किया गया है, किस कंपनी द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट। इलेक्शन गार्ड किस कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है। क्लियर है, आइए 43वां प्रश्न है आपका, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन इंडिया मेरा, देखिए मेरा क्या है, एक अलायंस है, अगर हम लोग कहें मेरा क्या है, एक अलायंस है, किस चीज का अलायंस, बीमारी से निपटने का अलायंस है। क्या है मेरा, बीमारी से निपटने का अलायंस है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि 2030 तक भारत को, मेरा का उद्देश्य क्या है, 2030 तक भारत को पूर्णतः मलेरिया मुक्त करना है,
संपूर्णता मलेरिया मुक्त करना है 2030 तक भारत को, ये मेरा का प्रमुख जो है क्या है, हाँ, ये उद्देश्य है। और इसमें कौन कौन शामिल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया एंड रिसर्च NIMR शामिल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल है, इसका मतलब उपयुक्त सभी, और ये तीनों का एक अलायंस है जिसका मेरा जिसका प्रमुख उद्देश्य है 2030 तक भारत से मलेरिया को मुक्त करना। अभी श्रीलंका को WHO ने खसरा से मुक्त घोषित किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस एशियाई देश को खसरा से पूर्णता मुक्त घोषित किया गया है, तो श्रीलंका को खसरा चेचक की बीमारी से पूर्णता मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा। आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, पेन डाउन करिएगा। 46वां प्रश्न, चलिए, हाल ही में किस देश में अंतरिक्ष सेना के निर्माण को मंजूरी दी। देखिए, अंतरिक्ष सेना के निर्माण को मंजूरी दी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अंतरिक्ष सेना का इसमें से उद्देश्य यहां पर यह नहीं कि अंतरिक्ष के लिए सेना का निर्माण करना। जो अंतरिक्ष गतिविधियां देश के अंदर से संचालित होती हैं, उनके सामानों को, उस तकनीक को पूरी सुरक्षा में रखना, उन उपकरणों को पूरी सुरक्षा में रखना, इसके लिए एक अलग से एक आर्मी का गठन किया गया है अमेरिका द्वारा, जिसको अंतरिक्ष सेना कहा गया है। क्लियर? तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें लिखी हैं, आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष से संबंधित समस्त उपकरणों को, टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका द्वारा एक सेना का गठन, पहला देश अमेरिका ऐसा बना जिसको अंतरिक्ष सेना कहा गया। आइए अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, कौन सा देश अंतरिक्ष में प्रथम सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। सही उत्तर है चीन, है ना। चीन पहला ऐसा देश है जो सौर ऊर्जा स्टेशन जो है की तैयारी कर रहा है अंतरिक्ष में। क्लियर है? आइए, फैक्चुअल है, ज्यादा बताने के लिए 47वां में कुछ नहीं है। 48वां, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जाएगा। क्लियर है? बेंगलुरु में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। और 106वीं का आयोजन पंजाब के जालंधर में किया गया था 2019 में, पंजाब के जालंधर में। चूंकि 19 जा रहा है तो 20 की घटनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अभी भी 19 आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक 20वीं जो है 107वीं आयोजित नहीं हुई, तो 107वीं और 106वीं दोनों आपको याद रखनी है। तो 107वीं कहां पर होने चल रही है? बेंगलोर में होने चल रही है। आइए 49वां प्रश्न है आपका, हाल ही में क्लाउडेड तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 2022 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। कहां आयोजित किए जाएंगे? मेघालय में। क्लाउडेड तेंदुआ जो है वो मेघालय का क्या है? राजकीय पशु है, ध्यान दीजिएगा, राजकीय पशु है, जो हां गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियों पर पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? गारो, खासी और जयंता की पहाड़ियों पर ये पाया जाता है, पहाड़ियों के जंगलों में, वनों में पाया जाता है। क्षमा करिएगा, मैं अपनी लाइन को करेक्ट कर रहा हूं। क्लाउडेड तेंदुआ 2022 के जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं मेघालय में, उनका राजकीय पशु है ये गारो, खासी और जयंता की जो पहाड़ियां हैं उनके वनों में और जंगलों में ये पाया जाता है। क्लियर है? आइए 50वां प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को निशुल्क दूध उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना किस राज्य में शुरू की गई। तो देखिए, ये जो आपका योजना है ये राज्य में किस राज्य में शुरू की गई, तो यहां पे आपका सही उत्तर होगा, बताइए, उत्तराखंड राज्य में शुरू की गई। कहां पर शुरू की गई? उत्तराखंड राज्य में ये योजना आपकी शुरू की गई। तो ये आज आपके रटलो 2 के 50 प्रश्न थे। रटलो पहला 10 दिन पहले हुआ था। अगर आप लोगों को रटलो पहला नहीं मिल रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में रटलो पहला का लिंक लगा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से रटलो पहला भी देख लीजिए। और अब आज से प्रत्येक दिन 9 बजे आप तैयार रहिएगा, लगभग 500 से 600 प्रश्न हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, और जूनियर असिस्टेंट और UPPCS में मैं कोशिश करूंगा कि इस रटलो सीरीज आपके लिए एक तो है मूल्यवान सीरीज बन के रहे, और लगभग लगभग करेंट के जितने प्रश्न हैं वो सब कवर हो जाए। आगामी
यूपीएसआई एनटीपीसी के लिए भी ये सीरीज समान रूप से उपयोगी है। आप लोगों को इस श्रृंखला कैसी लगी? संस्थान के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। संस्थान में बहुत सारे बैच हमेशा संचालित होते रहते हैं। संस्थान से संबंधित किसी भी जानकारी और किसी भी बैच की जानकारी से संबंधित सूचना के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं। आगे की योजनाओं के बारे में आपको जल्दी ही जानकारी देंगे। फिलहाल संस्थान का पूरा फोकस है कि दिसंबर में जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज से लेके प्रैक्टिस सेट से लेके करंट अफेयर्स से लेके संस्थान जो है जितना गुणवत्तापूर्ण आपको सर्व कर सके उतने के लिए हम तैयार हैं। आज रटलो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल ठीक 9 बजे रटलो 3 के साथ मैं रवि तिवारी टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में फिर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने प्रीसियस सुझाव को नीचे जरूर दें। आपके सुझाव हमेशा हमारी संस्था के लिए मूल्यवान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।